हेलो टीचर्स, मेरा नाम पारुल है और मैं आपका स्वागत करती हूँ क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में। क्लास प्लस ने डिसाइड किया है कि हम हेल्प करेंगे एजुकेटर्स, टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की उनका ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस ग्रो करने में। तो अगर आपका है मिशन ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस को ग्रो करने का, तो क्लास प्लस के पास है हर चीज़ का सोल्यूशन। तो आज आप बनी स्टूडेंट और मैं बनती हूँ टीचर, और मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन के सफ़र को आसान कैसे बनाया जाए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस करें। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्किप करें और कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाएं। आज हम बात करने वाले हैं कॉलर माइक्स के बारे में। माइक यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सा माइक बेस्ट है एंड आपके बजट में कौन सा माइक आएगा। मैं काफी सारे माइक के ऑप्शंस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। जिन मेन फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी वो हैं कनेक्टिविटी, वायर लेंथ, एक्सेसरीज एंड प्राइस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। माइक आपके वीडियोस की साउंड क्वालिटी को बेहतर कर देता है। अच्छे माइक से आपकी आवाज क्लियर आती है और स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आता है। साउंड क्वालिटी बेहतर होने के कारण आपकी वीडियोस में एक जान आ जाती है एंड स्टूडेंट्स और ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अपने सबसे पहले माइक के बारे में, JBL Commercial CSLM20B। ये बेसिकली एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये किसी भी तरफ से आपका साउंड कैप्चर कर सकता है, यानी कि आप किसी भी तरफ खड़े होकर इस माइक पर बात करिए और आपका साउंड आएगा एकदम क्लियर। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ आपको मिलता है 3.5 mm का पिन, जो कि आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है कैमरा और फोन्स दोनों के साथ। अडैप्टर की बात करते हैं, 6.3 mm का अडैप्टर आपको इसके साथ मिलता है, जो कि मिक्सर और एम्पलीफायर्स दोनों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकता है। केबल काफी लंबी है, केबल की बात करें तो 6 मीटर की केबल आपको इसके साथ मिलती है, जो कि एक एवरेज माइक के हिसाब से काफी लंबी है साइज में। और इसकी एक्सेसरीज की बात करें तो साथ में आपको मिलता है एक टाई क्लिप, विंडशील्ड, LR44 बैटरीज और एक कैरी पाउच। आते हैं अब इसके प्राइस पर। 2000 का प्राइस है इसका, पर ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल सकता है कुछ 950 रुपए में। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले माइक के बारे में, बोया BY-M1 माइक। काफी फेमस ओमनी डायरेक्शनल माइक है ये, और काफी बढ़िया फीचर्स के साथ आता है। इसके कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन, कैमरा, कैमकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर और यहां तक कि अपने पीसी के साथ भी। ये 360 डिग्री ओमनी पिकअप पैटर्न पे काम करता है। इसकी केबल लेंथ है टोटल 6 मीटर। ये माइक आता है एक स्लाइडर के साथ। अगर आप अपने स्मार्टफोन के साथ ये माइक यूज कर रहे हैं तो आप स्लाइडर को स्मार्टफोन की तरफ मूव कर दें, और अगर इसे आप यूज करें अपने कैमरे के साथ तो स्लाइडर को आप कैमरे की तरफ साइड कर दें। एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ आपको मिलता है एक कॉलर क्लिप, विंडशील्ड और एक कैरी पाउच। इस माइक का प्राइस है 2000 रुपीज, पर यह ऑनलाइन आपको कुछ 750 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम अपने अगले माइक के बारे में, माओनो AU-400। ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है और काफी बढ़िया फीचर्स के साथ आता है। इसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के लिए। इसके साथ आपको मिलता है एक 3-pin एक्स्ट्रा अडैप्टर, जो कि आप DSLR कैमरा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं YouTube रिकॉर्डिंग, वेबिनार या पॉडकास्टिंग की, तो ये माइक उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस माइक से आप बड़े आराम से कर सकते हैं स्काइप, व्हाट्सएप और फेसटाइम कॉलिंग भी। इसकी केबल लेंथ है टोटल 1.9 मीटर। एक्सेसरीज के नाम पे इस माइक के साथ आपको मिलता है कॉलर क्लिप, विंडशील्ड और एक कैरी पाउच। इस माइक का प्राइस है टोटल 700 रुपीज, बट अगर इसे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ये आपको कुछ 450 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम अपने अगले माइक के बारे में, सेनहाइजर एक्सेस लैव। ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल माइक है और आइडियल है पॉडकास्ट, वीडियोस और वॉइस ओवर्स के लिए। इसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 3.5 mm के कनेक्टर के साथ, जो कि आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नेचुरल साउंड क्वालिटी आपको देता है, जो कि आइडियल है इंटरव्यूज, व्लॉग्स और पॉडकास्ट के लिए। इसकी केबल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो केबल लेंथ है इसकी 2 मीटर्स,
जो कि बाकी माइक के केबल लेंथ से काफी छोटी है। अगर मैं बात करूं एक्सेसरीज की, तो इसके साथ आपको मिलती है क्लिप, विंडस्क्रीन और एक कैरी पाउच। एंड अगर बात करें इसके प्राइस की, तो टोटल इस माइक का प्राइस है 4,500 रुपए, जो कि आपको ऑनलाइन आराम से मिल सकता है 3,500 रुपए में। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे सस्ते माइक की, सियोटा डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन क्लिप। सियोटा वैसे एक बजट माइक है, पर बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आता है। ये एक ओमनीडायरेक्शनल माइक है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन की फैसिलिटी भी आपको देता है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो ये आता है 3.5 mm पिन के साथ, जो कि आइडियल है PC, लैपटॉप्स और वायरलेस माइक्रोफोन ट्रांसमीटर्स के लिए। अगर हम बात करें वीडियोस की, तो ये एक आइडियल माइक है YouTube वीडियोस, मोबाइल वीडियोस, इंटरव्यूज, लेक्चर्स, क्लासरूम टीचिंग्स और TV न्यूज एंकरिंग के लिए। केबल थोड़ी सी छोटी है, 1.5 मीटर की केबल आपको इस माइक के साथ मिलती है। डबल लेयर्ड मेटल शील्ड और विंड मफ्स के साथ ये माइक आता है, जिसके कारण सराउंडिंग नॉइस काफी फिल्टर होके आपके पास आती है। एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूं, तो इसके साथ आपको मिलता है एक कॉलर क्लिप और एक विंडशील्ड। फिलहाल इसका प्राइस है 1,300 रुपए, जो कि ऑनलाइन आपको आसानी से मिल सकता है 250 रुपए में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड माइक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।